तब जाता है जबकि आपका मोबाइल का ही है। अगर मोबाइल मोबाइल को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, जैसे हमारा शरीर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो फिर कहाँ रहेगा? वो तो वो भी ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म नहीं होगा ना। कहाँ जाए, कहाँ है? इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये अलग बात है कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि उसको फिर से रिट्राइव कर सके, वो बात अलग है। आप अगर अपने मोबाइल के मतलब कि फिजिकल जो इसकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल मेमोरी है, मैं क्लाउड की बात ही नहीं कर रहा, फिजिकल मेमोरी में चाहे आप क्लाउड की क्यों नहीं बात करेंगे आप? हैं, नहीं क्लाउड की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ आपने क्लाउड, क्योंकि ये सूचना तो वहाँ भी है और ये सूचना इसमें भी है और ये इसमें भी जो हम लोग डिलीट कर देते हैं उसके बाद भी इसके उसमें रहता है। रहता है, लेकिन आप इसको चला दीजिए तो थोड़ी रहेगा। तो नहीं रहेगा तो उसको क्लाउड में रहेगा ना? क्लाउड में रहेगा। हाँ, ये जो तो हम लोग का भी तो क्लाउड सिस्टम होगा। हाँ, हो सकता है हम लोग क्लाउड सिस्टम हो। तो कौन इस संस्कार को लेकर के इस शरीर में आता है? और वो जितने क्लाउड सिस्टम है ना, उस क्लाउड सिस्टम का भी कोई क्लाउड होगा। हाँ, उस क्लाउड का भी कोई क्लाउड होगा। हाँ, सही बात है। और उस क्लाउड का भी कहीं क्लाउड होगा। हाँ, तो ये इस तरह से इसका बीज लगा रहता है, कहीं खत्म नहीं होता है। एक एक लेवल पर ख़त्म दिखता है, अगले लेवल पर जो है फिर वहाँ से ट्रैप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपकी हाई हो जाएगी तो। और अगर उस वो ख़त्म हुआ फिर उसके अगले लेवल पर टेक्नोलॉजी हाई होगी तो उसको ट्रैप कर लेंगे। यानी मनुष्य जो है शाश्वत सत्ता है, या कोई भी चीज़ शाश्वत सत्ता है, शाश्वत सत्ता है। बीज रूप से इसका कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है ना, बीज सनातन बीज है। मनुष्य एक शाश्वत सत्ता है। हम कुत्ता भी बन सकते हैं, नहीं जाता क्या? सभी आते हैं। तो कुत्ता अगले दिन में कुत्ता ही बनेगा? कुत्ता बनने से मतलब नहीं है, वह जो है कुत्ता तो उसका एक मतलब फॉर्म है, ढांचा हो गया ना। हाँ, फॉर्म है, लेकिन वास्तविक अर्थ में जो उसका वैसा स्वरूप जो कि इस तरह का रूप नहीं दिखता, बल्कि उसके और हमारे रूप में जो समानता रहती है, हमारे उसमें या किसी भी जीव में जो समानता है, वह जो है वह तो बना ही हुआ है। और फिर जीव की और निर्जीव की जो समानता है वह और भी गहरे लेवल पर बना हुआ है। हाँ, सही बात। तभी तो निर्जीव से जीव भी बनाया जा सकता है। आखिर हम लोगों ने रोबोट्स बनाए हैं तो वो एक जीव जैसा व्यवहार कर रहा है ना, और बनाए हैं निर्जीव से ही उसको। इसका मतलब निर्जीव के अंडे जो पाए जा रहे हैं फॉसिल्स, वो सारे पत्थर ही तो बन चुके हैं। वो लाइव ही तो था, तो आज पत्थर है। और पार्टिकल्स पत्थर में भी सारे वही हैं। जो पत्थर में जो पार्टिकल जो एलिमेंट्स है उनमें से बहुत एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स की वो खाना पड़ता है। दवाई के तौर पर अगर डेफिशिएंसी हो गई अगर, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कैल्शियम। अरे बहुत साधारण सी बात है कि हम अपना नाक को दबा दें, हवा बंद कर दें, तसे मर हवा बंद, हवा जो कि निर्जीव चीज़ है। हाँ, तो उसके कारण तो हमारा लाइफ है, तो उसे हवा पर आधारित है। तो निर्जीव और सजीव में एक कंटिन्यूटी है। स्वामी जी जब शंकराचार्य जो ध्यान वो सारा का सारा अदृश्य चेतना की महत्ता देता है, जब भगवान बुद्ध जो दर्शना है वो शरीर को प्रधान मान करके साधना कराती है, चेतना की और ईश्वर की आत्मा परमात्मा की बात भी है। जो तुमको दिया टूल, जो टूल तुम्हारे संज्ञा उस टूल का प्रयोग, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही अधूरे हैं? इन इन दोनों को साथ लेके चला जाए हम? नहीं, क्या ऐसा नहीं, ऐसा ही है, अधूरे हैं। तीन चार दिन से मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, जो सिर्फ सोचता है कि चेतन चेतन है। हाँ, तो वो अभी अधूरा ही कह रहा है, और ये बिल्कुल अधूरा है। हमको ये क्योंकि ये आया कहाँ से? नहीं, मैं साधना की बात कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा आया कहाँ से, ये तो साधना को बल देने के लिए फिलोसॉफिकल पार्ट। अब मैं दोनों में चल रहा हूँ, फिलोसफी में भी चल रहा हूँ और फिलोसफी में से चल रहा हूँ कि साधना में रास्ता मिलता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब साधना में बैठता हूँ तो साधना में बैठा
तो मैं बैठा, ये शरीर बैठा, शरीर बैठा, शरीर धीरे धीरे शरीर के माध्यम से चेतना मिल गया, और चेतना मिल गया, उस चेतना ने देखना शुरू किया कि ये शरीर है, इसके विभिन्न हलन चलन, कहीं कुछ कहीं कुछ, सांस छूटेगा, और दोनों ही चीज़ें हाथ में हैं कि मैं ये अलग होके देख रहा हूँ, तो ये मेरी सत्ता है, मैं खाली मेरा दिमाग इसको नहीं देख रहा, ये माइंड नहीं देख रहा, यानी कि जो एक्टिविटी ब्रेन में चल रही है माइंड, और वो माइंड इसको नहीं देख रहा है। चेतना के ही घनीभूत अवस्था जो है ना, हाँ, वो ये बॉडी है, चेतना की घनीभूत घनीभूत अवस्था, हाँ हाँ, चेतना है, इसलिए कि इस कुर्पी को जोर से उठाए और प्रकाश के वेग से फेंक दें तो ये प्रकाश, ये प्रकाश हो जाएगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जो हमारी एसीबीसी करंट है और जो फोटो करंट है, तो फोटो सेल में काम करती है, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। ये साइन वेव है, वो स्ट्रेट लाइन में पैकेट्स चलते हैं, एनर्जी पैकेट्स चलते हैं, दोनों की प्रकृति एक है, अलग है, और फिर दोनों एक ही जैसे भी हैं। इसीलिए जब एनर्जी पैकेट तो एनर्जी को रोकते चल रहे हैं तभी ना पैकेट बना। ये जो है जितना कंडेंस हो जाएगा उतना हाँ, पैकेट में आता जाएगा, पैकेट में आता जाएगा, हाँ क्या है, तो ये पैकेट में आता जाएगा, पैकेट में आता है, इसे ठोस रूप धारण कर लेगा, तो वही जब विरल होना शुरू कर देगा तो एनर्जी का रूप धारण करता है पदार्थ, इसीलिए तो ऊर्जा में बदल जाता है, फिर ऊर्जा और अगर सूक्ष्म हो जाएगा तो वह चेतना है, ऊर्जा की ही सूक्ष्म अवस्था जो है चेतना है। वहाँ अविभाज्य स्थिति आ जाती है चेतना में, बस बात इतनी होती है, ऊर्जा तक तो विभाजन संभव है, चेतना में विभाजन संभव नहीं होता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि विभाजन की जो रेखा है नहीं बनाई जा सकती है, न बिंदु बनाई जा सकती है। कौन है जो इशारा, तो अब ये जो साधना जो है ना, साधना इसीलिए करते हैं कि हम इस ठोस से और सूक्ष्म में उतरे, यानी ऊर्जा में उतरे, फिर उस ऊर्जा से और सूक्ष्म में चेतना में उतरे, बस यही है, तीन स्टेज है मोटे तौर पर। हम लोग का जो माइंड है ना, माइंड वो ब्रेन नहीं ना, ब्रेन नहीं, माइंड हाँ, जो विचार जिसमें आते हैं, विचार हाँ, तो ब्रेन में आते हैं सारी एक्टिविटी, ब्रेन में जो एक्टिविटी है, नहीं नहीं, ब्रेन ब्रेन तो ब्रेन में वो जो है वो विचार आते हैं, लेकिन ब्रेन विचार में नहीं आएगा ना, मतलब ब्रेन तो एक उसका हार्डवेयर हो गया, एक तरह से हार्डवेयर हो गया ब्रेन, और माइंड जो है सॉफ्टवेयर हो गया, माइंड सॉफ्टवेयर, हाँ, तो उस माइंड में जो है ना वो थॉट आते हैं, वो जो थॉट है ना वह एक मध्य का स्टेज है ऊर्जा का और चेतना का, वह मध्य स्तर है, इसीलिए विचार का बहुत महत्व है। जैसा विचार होगा वैसा ही व्यक्तित्व बन जाएगा, वो व्यक्तित्व बन जाएगा, वैसे आकार प्रकार यार दोस्त जो भी आप बनाएंगे उसी के माध्यम से बनाएंगे, और उसी विचार के माध्यम से फिर आप जो है निर्विचार में उतर सकते हैं, निर्ध्वनि में उतर सकते, वो विचार है, इसीलिए विचार का बड़ी महत्व दिया गया है, और सारा फोकस विचार पर ही करना पड़ता है, वो बनता कैसे है, आखिर वो बन कहाँ से रहा, आ कहाँ से रहा, उसी में आपको लीन होना पड़ता है, तो विचार से सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म विचार से और सूक्ष्म विचार में, इसी तरह साधना में आपको उतरना पड़ता है। विचार का जो सूक्ष्म स्वरूप है ना वही मंत्र है, विचार का सूक्ष्म स्वरूप मंत्र है, और मंत्र का सूक्ष्म स्वरूप जो है ना वो बीज मंत्र है, बीज मंत्र का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह निर्विचार है, वह सिर्फ ध्वनि है, तरंगे, ध्वनि में सिर्फ तरंगे, मतलब आवाज़ वाली नहीं, सिर्फ तरंगे, और फिर उस तरंगों के बाद फिर उर्मियाँ आती हैं। हम लोग शास्त्र ने बड़ा बहुत डिटेल दिया है, तरंगों से भी जो सूक्ष्म है, तरंगे जिससे बनती हैं उनको उर्मी कहा गया है, तरंगे का निर्माण जिससे होता है ऊर्जा तरंग को उर्मी कहा गया, और उर्मी के बाद जो है ना उसका फॉर्म नहीं रहता, वहाँ पर चेतना का स्तर आ जाता है, और साधना में बैठ करके बस वहीं तक आपको जाना है।
और जैसे जैसे आप उधर जाएंगे ना, वैसे वैसे आप में हाई मैग्नेटाइजेशन होता चला जाएगा, बॉडी में आपकी चुंबकत्व क्षमता बढ़ती चली जाती है, और मैग्नेटाइजेशन जब जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जो है ना आपका स्थान जो है वो फैलता चला जाता है, आपका लोकेशन जो है वो धीरे धीरे इन्फाइनाइट होने लगेगा। जितना ज़्यादा आप स्थिर होंगे आपका लोकेशन उतना ज़्यादा फैलता चला जाएगा और अंत में इन्फिनिटी होता है। इसीलिए बैठने को जब बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो 7 दिन तक लगातार बैठ जाते थे एक ही पोजीशन पर। और वो एक बड़ी अच्छी कथा भी है कि एक कोई राजा था, तो जहाँ बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर निर्ग्रंथ सब थे, मतलब तो जैनी सब, तो वे सब थे। तो उन लोगों ने कहा कि आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो स्वयं को जानने के लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए क्या करते हैं कि मैं बैठता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि बैठने का तो वहाँ कौन एक राजा था, वो राजा भी बैठता है अपना उस पर सिंहासन पर, तो राजा भी सिंहासन पर बैठता है। बैठने से तुम कैसे जो है ज्ञानी हो जाओगे, बैठने से ज्ञानी होता तो राजा नहीं ज्ञानी हो जाता, सिंहासन पर बैठता है रोज बैठता है। तो बुद्ध ने कहा कि वो क्या बिना हिले डुले बैठता है। कहा नहीं, बिना हिले डुले तो नहीं बैठता है, तो हिलता डुलता रहता है। कहा कि तो जा करके उसको कहो बिना हिले डुले वो कितना देर बैठ पाएगा। कहा कि बिना हिले डुले तो बस वो, मैं जहाँ तक समझता हूँ एक पहर से ज़्यादा तो वो नहीं बैठ पाएगा, या हो सकता है एक मुहूर्त ही बैठ पाए। तो बुद्ध ने कहा कि मैं 7 दिन 7 रात बिना हिले डुले बैठ सकता हूँ। तो उसे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी शक्ति और हमारी शक्ति में कितने गुना का अंतर है, और उसके ज्ञान और हमारे ज्ञान में कितने गुने का अंतर होगा। जब वो हिलता डुलता रहता है तब उसको इतना ज्ञान है, तो मैं तो इतने तक हिल डुल नहीं रहा हूँ, मुझे कितना ज्ञान होगा तुम अनुमान लगा लो। तो बैठने से, बैठने का इसीलिए जितनी भी चाहिए साधना का है, पतंजलि जी ने बैठने का ही मदद दिया है, आसन सिद्ध करने को कहा है। तो बिना हिले डुले जब आदमी बैठता है तो उसका प्रभाव हिलना डुलना फिर तो कहते हैं, अगर मतलब आप अपने प्रयास से नहीं हिलेंगे डुलेंगे। है एक होता है ना, जैसे बॉडी में स्वाभाविक रूप से जो बीट चल रहा है, इससे हृदय धड़क रहा है। नहीं, मैं बैठा और उसके बाद अपने आप स्वाभाविक रूप से कमर थोड़ी सी ढीली हुई या गर्दन में से, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब, आपने अपने प्रयास से जो किया उससे मतलब होता है, यानी क्रिया से मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है। हाँ, अगर ऐसे ऐसे बैठे बहुत देर तक तो कमर दर्द हो, थोड़ा सा ऐसे सीधा कर लेते तो हिलना कहा जाएगा। हाँ, ये कहा जाएगा, ये नहीं कर रहा, ऐसे बैठे तो ऐसे ही रहना, कमर दर्द कर रहा है तो दर्द करने दीजिए। आपको दर्द कर रहा है ना, तो अब आपको दर्द के विज्ञान को समझना, दर्द करेगा तभी ना उसके रस को समझेंगे। हाँ, कैसे दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, दर्द कैसे फैलता है, क्या प्रभाव डालता है, दूसरी इंद्रियाँ कैसे रिएक्ट करती हैं, दर्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसा है। जब दर्द, अब दर्द से निवारण के लिए नहीं है, वो दर्द के रहस्य को जानने के लिए बैठ गए तो बैठे रहिए। आपको तो सीधा नहीं करना है, आपको कि दर्द कर रहा थोड़ा सीधा कर लिया, नहीं सीधा करने की जरूरत नहीं, दर्द की ही जरूरत है। हाँ, सच्चाई तो यह है कि जब तक दर्द नहीं शुरू होता है तब तक सिर्फ भूमिका होती है साधना, साधना नहीं होती। हाँ, अच्छा, दर्द शुरू होने पर ही साधना होती है,
जब तक दर्द नहीं किया तब तक आप मत समझिए कि मैं साधना में हूँ। हाँ, आप सिर्फ साधना की भूमिका में है। जब दर्द शुरू होगा तब साधना में है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दर्द का रहस्य आपको पता चलेगा, दर्द के तरंगों का पता चलेगा, पूरे शरीर में दर्द कैसे फैल रहा है, फिर वो दर्द कैसे रूपांतरित होगा, चिंगारी फूटने लगेगी, भिन्न भिन्न तरह के साउंड सुराई पड़ने लगेंगे, ये सब दर्द के बाद ही होगा। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्यों दर्द शुरू होता है कि फिर वापस पोजिशन पर आ जाते हैं, सोचते हैं अच्छा दर्द कर रहा है कॉल करेंगे, फिर नहीं 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 तब तो आप फिर भूमिका में ही रहते। बैठते ही पूरा शरीर ऐसे लगता है कि जकड़ के आए एकदम, पता है रस्सी से, रेयर कम होता है, परसों हुआ था मुझको, रस्सी से पाटा हुआ है पूरे शरीर में, पूरा 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 पूरा। उसमें एक फियर भी हो जाता है, फियर जो होगा तो वो भी देखना कि वो कहाँ फियर होगा, कि भाई हमको कोई रोग हो जाएगा, अस्थायी रूप से कुछ डैमेज हो जाएगा, मर जाएंगे, कई तरह के फियर आते हैं। हाँ, उन सब से भी व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है, ठीक है। फियर का कहाँ से फियर आ रहा है? हाँ, क्योंकि फियर भी तो एक विचार ही है। अब देखेंगे अंततः ये सब सारे विचार ही है, दर्द भी एक विचार ही है, बहुत गहराई पर जाएंगे तो पता चलेगा। इसीलिए जब दर्द बहुत बढ़ जाता है ना तो आदमी विचार नहीं कर पाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाएगा तो फिर दर्द नहीं मालूम है, विचार आएगा तो ही दर्द मालूम होगा, नहीं तो नहीं मालूम होगा। इसीलिए दर्द को महसूस करना बहुत ज़रूरी है और दर्द के सारे रहस्यों को जानना बहुत। दर्द ही आपको बताएगा कहाँ हृदय है, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ लीवर है, कहाँ किडनी है, कहाँ आँख है, कहाँ दिमाग है, कहाँ आँख है, सब दर्द बताता है। दर्द फैल फैल करके आएगा ना, सब जगह बताएगा, जहाँ जहाँ जाएगा सूचना देता जाएगा। तो इंटरनल ऑर्गेन का जो उसका एक तरह से आपको जो नॉलेज है वो दर्द से ही होगा। याद रखिए, जब दांत का दर्द होता है तभी दांत का पता चलता है कि दांत भी है, माथा में दर्द होता है तो पता चलता है कि मेरा माथा भी है, कान में दर्द होता है कान है, दर्द ही बताता है क्या क्या है, अंदर के सारे ऑर्गेन के बारे में दर्द बताता है। इसीलिए दर्द बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बैठने को बहुत महत्व दिया गया है। आप बैठेंगे तो आधे घंटे के बाद दर्द अवश्य शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो बस आपकी साधना शुरू होगी। अब आपको देखना है कि दर्द तर कैसे आते हैं, फिर जब दर्द और बढ़ेगा तो ये जो मांसपेशियाँ हैं ना ये अपने आप हिलने लगे, क्योंकि दर्द जो है ना प्रेशर भी पैदा करेगा शरीर में, तो प्रेशर का भी बोध होगा। अमूमन प्रेशर का बोध आदमियों को नहीं होता है, बहुत कम होता है। मैं वो जो बता रहे थे परसों को जकड़ने वाली बोल रहा है, हाँ, जब प्रेशर और दर्द जब बढ़ेगा तो ही अपने बॉडी से बाहर जाने का एहसास होगा कि हमारे शरीर से कुछ बाहर निकला, और जो बाहर निकला फिर आप अपने बॉडी को बाहर से देख सकेंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम शीशा में देख रहे हैं अपने को। हाँ, हम लोग का चेतना का लेवल ऐसा हो जाता है कि उस टाइप फैलाव है ना, हम लोग के माइंड के भीतर ही नहीं है वो बाहर भी है, उसका दायरा बाहर भी है, बाहर से भी आप बॉडी को देख सकते हैं, और वो इन आँखों से नहीं देखेंगे लेकिन आपको पता चलेगा, जैसे हम लोग शीशा में देखते हैं ठीक वैसे ही पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि मैं अपने शरीर को ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन वो तभी होगा जब कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दोनों एक साथ बहुत बढ़ जाए, पूरे शरीर में उसकी तरंगे एकदम सनसन सनसन खूब चल रही है, फिर दर्द एक जगह लोकेट नहीं रहेगा, वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन उसको शुरुआत में तो पीड़ा देगा लेकिन बाद में फिर मस्ती देने लगेगा, हाँ, कन्वर्ट हो जाता है, पेन जो है ना वही आनंद में बदल जाता है। घड़ी तो देखा नहीं कोई, घड़ी घड़ी आप घड़ी उसमें क्या देखेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि एक डेढ़ घंटा के आसपास में, व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा, अनेक अनेक अवस्था पर भी निर्भर करेगा, बूढ़ा है जवान है इसे पर भी करेगा, लेकिन अमूमन उतने देर में शुरू होगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब भी बैठे ना तो पानी अवश्य ज़्यादा पिए करें, पानी पीने पर तो देखिए पानी पी लेंगे ना थोड़ा, हाँ थोड़ा पानी पी लेंगे तो वैसा डिहाइड्रेशन नहीं होगा पानी, लेकिन अगर आपके पास एसी वैसी है तो खैर ज़्यादा नहीं ज़रूरत है,
लेकिन अगर ऐसे बैठेंगे तो ईजी तो है, लेकिन मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो बिल्कुल नेचुरल वातावरण, नेचुरल ज़्यादा ठीक है। नहीं घर ही है, हाँ घर के अंदर ही बैठते हैं। दिन जारी निकल, दरवाज़ा खोल दिया, उधर से खोल दिया, पर्दे बस पीछे ताकि रोशनी आँख में आए। पंखा भी नहीं चलाता, एसी भी नहीं चलाता, जो प्रकृति का अंश है वह ठीक है, वही ज़्यादा अच्छा। अच्छा सवेरे करीब एक लीटर पानी सवेरे उठ के पीता, चाहे अगर आपको 5 घंटे बैठने हैं हाँ। तो शरीर में पानी कमी नहीं आनी चाहिए। अब ये बताइए कि मैं तो प्रोस्टेट का पेशेंट हूँ, तो हमको तो साधना बैठने के ठीक आधे घंटे बाद हमको बाथरूम जाना है, उठना पड़ेगा अगर पानी पी के बैठते। हाँ तो मतलब फिर पानी मत पीजिए जब आपको ऐसी समस्या आता। और जब कभी मैं ध्यान में कहेंगे थोड़ा गहरा उतर जाता हूँ तब मुझे वो नहीं आता, तब फिर वो फिर पानी का वो पेशाब नहीं आता, पेशाब नहीं आता फिर तो जितनी देर। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बाद में क्या होता है ना, शरीर में बड़ी हीट जनरेट होता है, जब दर्द होगा ना तो बहुत। किसी को हार्ट अटैक आया है देखे हैं कभी ना? हार्ट अटैक जब आता है तब पसीना से लथ पथ हो जाता है आदमी। अच्छा हाँ, जब पेन बहुत होगा ना शरीर में, पसीना से लथ पथ हो जाएगा, तो इसमें भी साधना में बैठने पर तो पसीना खूब आएगा। हाँ हाँ पसीना खूब आएगा वो तो। बल्कि आप कहिए कि मैं तो छोड़ दीजिए, मैं जिस आसन पर बैठता हूँ वो भी पसीने में काफ़ी नम हो जाता है। हाँ। थोड़ा सा तुरंत में लपेटने पर वो थोड़ा बदबू करता है, उसको ऐसे छोड़ना पड़ता है। पसीना बहुत आता है। हाँ। और पसीना बहुत आने के बाद फिर क्या होता है, उसका नेक्स्ट स्टेज जो होता है ना, हाँ। वो क्या होता है कि जब पेन और थोड़ा बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उसमें डिहाइड्रेशन का चांस रहता है। और उसके कारण क्या होता है कि अगर पानी की थोड़ी मोड़ी कमी से तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा कमी हो जाने पर आदमी के एक तरह से अनकॉन्शियस होने का भी खतरा रहता है। अब वो बताइए 7 दिन तक बैठे हुए तो वह अनकॉन्शियस नहीं हुए तो हानि हो जाएगी? नहीं तो आप उस स्टेज पर जाएंगे, वो इतनी साधना किए रहेंगे तब तो। शुरुआत की बात पे कर रहा हूँ, शुरू शुरू में जो लोग बैठते हैं पीके बैठे तो हमको आधे घंटे बाद हमको जाना पड़ेगा बाथरूम। हाँ ज़्यादातर यही होता है। वो तो बहुत वर्षों वर्षों जब तपस्या करेंगे तब वो नेक्स्ट स्टेज आएगा, अभी तो शुरुआत में कुछ घंटे बैठ जाए वही बहुत है। हाँ। बाद में वो तो दिन पर बैठने की तो बात अलग है, फिर तो आदमी पानी वानी छोड़ देता है, फिर पानी क्या भोजन क्या कुछ नहीं। लेकिन शुरुआत जब आदमी करेगा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठने का, तो उसमें ये स्थिति आती है। कुछ लोग दिमाग बहुत हल्का लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिमाग में कोई चीज़ है ही नहीं, खाली हो गया क्या, सारा इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया क्या। अच्छा हाँ ऐसा लगेगा कि जो जो जैसे आदमी नहीं भूल जाता है कुछ भी याद नहीं आता है, तो ऐसा लगेगा कि लगता है कि दिमाग जो कुछ भी हम तो याद आज तक तो याद किए थे, सोचे थे, समझे थे, सब खत्म हो गया लग रहा है ही नहीं इसमें। तो ये स्थिति भी आती है, वो समय जो है ना वो काफ़ी खालीपन महसूस होता है, और वहाँ एक खतरा भी लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सब भूल गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे छोटी उम्र में बच्चे में था, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वैसे थोड़ी देर के लिए लगता है, बाद में जब फिर वापस नॉर्मल आएंगे ना तो सब याद आ जाता है। लेकिन उस वक्त तो ज़रूर एक डर समा जाता है कि ये लगता है कहीं परमानेंटली तो मेरा दिमाग जो है सब डिलीट तो नहीं, डिलीट तो नहीं हो गया। 5-7 बार एक अनुभूति जरूर हुई है कि सांस अपने आप धीमे बहुत धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि उसका अपने आप ऐसे आती है, एक तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे लकड़ी का चूल्हा फूकते ना, फूकने से जैसी आवाज़ आती है वैसी साउंड अपने को सुना। ऐसा नहीं है कि मेरे कप जमा हुआ हाँ। बिल्कुल नॉर्मल है वो साउंड सुनाई, वो कब से चल रही है पता नहीं, इसका एक ख्याल जाता है कि ये साउंड चल रही है। शुरू शुरू में तो लगा कहीं बगल से कहीं से आ रही है, बाद में पता चला नहीं ये तो यही साउंड है। फिर दो मन दर्द वाला अनुभव तो हुआ, ऐसी बात नहीं है कि
बहुत देर बैठ गया हूँ तब जितनी मेरी कैपेसिटी है डेढ़ घंटे की कैपेसिटी है बैठ गई थी, तो उसके पहले से ही ये चालू परसों हुआ था। पूरा शरीर ऐसे लग रहा था कि इतना अच्छा, उस दिन कुछ गर्मी भी ज़्यादा थी, पसीने से भीगा हुआ था। गर्मी तो आजकल मॉइस्चर वाली हासिल नहीं है, हाँ। कोई बहुत विशेष इस, इसमें ज़्यादा पसीना निकलता है इस तरह। तो वो ऐसा लग रहा था कि इसे कितना ही दबा रहा है, इसमें पेन ये मसल्स में और बॉडी में ये बाह में सब भारी हो गया है, क्योंकि कितना स्थूल टाइप का। असल में लोग हिमालय पर तपस्या करने इसलिए भी जाते हैं कि वहाँ पर इस तरह की दिक्कत नहीं आती।